हमारी चुनावी यात्रा पहुंची है पानीपत के बाजार में और ये बाजार अपने आप में काफी खास है क्योंकि पानीपत के चारों विधानसभा सीटों के लोग जो हैं यहीं पर आते हैं शॉपिंग करने के लिए। इस बार पानीपत शहर का जो चुनाव है वो काफी दिलचस्प है। दिलचस्प इसलिए है क्योंकि 2014 में यहां पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रोहिता रेवड़ी चुनावी मैदान में थी, जिनके सामने कांग्रेस के बुलेशा मैदान में थे, लेकिन रोहिता रेवड़ी यहां पर जीत गई थी भारी मतों के साथ। 2019 में रोहिता रेवड़ी की टिकट काट दी भारतीय जनता पार्टी ने और प्रमोद विज को टिकट दिया और इसी के साथ 75 पार का नारा भी दिया, जिसके चलते कांग्रेस के बुलेशा चुनावी मैदान में नहीं उतरे। लेकिन अब ये तीनों 2024 में एक दूसरे के सामने चुनावी मैदान में हैं, इसलिए यहां के चुनाव काफी दिलचस्प हो चुके हैं। ये सीट इसलिए काफी खास हो चुकी है। हम पहुंचे हैं यहां पर बाजार में, जहां पर जलेबियां जो हैं वो तली जा रही हैं, जलेबियां बन रही हैं और इन्हीं जलेबियों के साथ इस बाजार में चुनावी बातें भी काफी बन रही हैं। लोगों के बीच में पहुंचेंगे हम, जानेंगे चुनावी माहौल और इसी के साथ जानने की कोशिश हम करेंगे कि इन तीनों कैंडिडेट को किस तरीके से लेते हैं, क्या कुछ इनके मुद्दे हैं जिसके आधार पर ये इस बार अपना वोट डालेंगे। हमारे साथ यहाँ पर ये सज्जन है, आपका नाम? काकू जले, काकू। क्या? काकू। काकू जी। काकू, आप जलेबी कब से बना रहे हैं? मैडम इसको 10 साल हो गए। 10 साल से आप यहीं पर जलेबी बना रहे जी। तो 10 साल में आपने काफी कुछ पार्टियों के वादे भी देखे, दोनों ही पार्टियों के वादे आपने देखे और चुनावी रंग भी देखे जी। तो क्या कुछ इस बार चुनावी माहौल देखा जा रहा है? तो इस बार भी लग रहा है कि उम्मीद गा रहा है कि प्रमोद विजी ही अपने पास। लेकिन 2014 में जिस तरीके से रोहिता रेवड़ी मैदान में थी उनके ऊपर भी आपने काफी विश्वास जताया था, इस बार वो भी मैदान में है। भारतीय जनता पार्टी से थी पहले, लेकिन इस बार निर्दलीय वो लड़ रही हैं। जी 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 जी। तो इस बार भी उम्मीदवार है कि अपने प्रमोद विजी ही अपने पास। ठीक है, तो आप जलेबियां यहाँ पर 10 साल से बना रहे हैं, क्या खासियत है आपकी जलेबियों में? मैडम फेमस शॉप है और काकू जलेबी के नाम से अपनी मशहूर है। चलिए अब बाजार की गलियों में चलते हैं और यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं चुनावी माहौल कि आखिरकार तीनों धुरंधर जो हैं इस बार मैदान में हैं। और एक खास बात यह है कि शाह परिवार को यहीं की जनता ने विधानसभा में 6 बार पहले भी मौका दिया है, इस बार मौका मिलता है या नहीं ये देखना होगा। और इसी के साथ बता दें कि विज परिवार को भी 5 बार मौका दिया जा चुका है। इस बार काफी दिलचस्प है यहाँ के चुनाव, किस तरीके से देखते हैं, कैसा माहौल नजर आ रहा है? देखिए ये चुनाव जरूर है लेकिन काम पे वोट मिल रही है। प्रमोद विज जी जो हैं वो भी अपना प्रत्याशी हैं, बुल्ले शाह जी भी हैं और रोहिता रेवड़ी जी हैं। रोहिता रेवड़ी पहले 2014 में चुनाव लड़ी थी, उन्होंने अपने तरीके से काम करवाया, प्रमोद विज ने अपने तरीके से काम करवाया। सबसे ज़्यादा जो फैक्ट पानीपत शहर को पड़ता है, प्रमोद विज ने पानीपत शहर की तस्वीर बदली है, चाहे वो माल टाउन को ले लो, कच्चे कैंप को ले लो, अपने लालवती चौक को ले लो, पूरे शहर में सेक्टरों को ले लो, किसी भी चीज़ को ले लो, आज के टाइम में प्रमोद विज जैसा MLA और इतना शरीफ MLA मिलने का नहीं, बिल्कुल नहीं। उनके लहर नजर आ रही है, लहर वो शुरू से ही है मोदी की लहर, और वहाँ पे सेंटर में मोदी की लहर, पानीपत शहरी से विज की लहर, ये ओके कर लो आप। तो 5 बार विज परिवार को मौका पहले भी दिया जा चुका है लेकिन शाह परिवार को भी 6 बार मौका दिया गया है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे, यहाँ से भी शुरुआत करते हैं, शॉपिंग करते हैं, हम एक सज्जन नजर आए हैं, आपका नाम क्या है? मैम गुलशन। गुलशन, गुलशन जी शॉपिंग कर रहे हैं आप यहाँ पर, आप अपने वोट का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, किस विधानसभा में आपका वोट? पानीपत शहर। तो कैसा चुनावी माहौल देखा जा रहा है? मैम चुनावी माहौल बहुत अच्छा है और आप भी देख रहे हैं कि आज सबसे बड़ा मुद्दा क्या है हमारे लिए यहाँ पे, कि मैं BJP को ही वोट दूंगा, वो भी इसीलिए सोच समझ के बात कर रहा हूँ कि कांग्रेस के जो हमारे नेता हैं उनके साथ कौन चल रहा है, सटोरी गुंडे जो मैं आपको वीडियो दे सकता हूँ जिन्होंने अभी से ही शुरुआत कर दी है गुंडागर्दी की, उनके साथ चल रहे हैं जो माफिया है यहाँ पे, शराब माफिया वो चल रहा है। हमें अपनी बहू बेटियों की सुरक्षा चाहिए पहली बार, आज के टाइम में जब से BJP सरकार आई है हमारी बहू बेटियाँ सुरक्षित हैं, कोई भी मार्केट आ सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक सबसे बड़ी एक अब मैं काम पे रहता हूँ तो मुझे सबसे बड़ी चिंता अपने परिवार की रहेगी ना, तो मेरा परिवार सुरक्षित रहे वो यहाँ पर आता है। अच्छा, आपका मुद्दा है अपने परिवार की बातों का अगर किया जाए तो, और यहाँ पर कुछ युवा हमारे साथ हैं, कुछ यंगस्टर्स हैं, इनके वोट बने या नहीं है वो भी देखना चाहेंगे। कितनी उम्र है आपकी? बता दे। क्या उम्र है आपकी? 18 साल। वोट बन गया? नहीं भी कौन बना, बनवाना जी। क्यों अभी तक क्यों नहीं बना, हो चुके 18 साल? तो है इस महीने में। अच्छा, इसी महीने में हुए हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और भी जो है जानने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर भी कुछ लोग हमारे साथ हैं और माहौल काफी गर्म है, आपसे जानना चाहेंगे।
सर, चुनावी माहौल काफी गर्म है, बाजार में सबसे ज्यादा जो है चर्चाएं देखी जा रही हैं, चुनाव को लेकर क्या नजर आ रहा है? अब चुनाव का माहौल दिन प्रतिदिन जैसे जैसे चुनाव उसकी डेट नजदीक आ रही है वोट डालने की, ऐसे ऐसे ही माहौल बहुत ज्यादा गर्म होता जा रहा है। और इस बार जो भारतीय जनता पार्टी के प्रमोद विज जी है, यहाँ से भारतीय जनता पार्टी ने उनको उम्मीदवार उतारा है। और जो लोगों को कहना है, मेरा अपना नहीं है, लोगों का मेरा तो है लेकिन लोगों का है, वो जनता कह रही है कि भाई ईमानदार आदमी है ये, बहुत ज़्यादा ईमानदार आदमी है, क्योंकि इन्होंने इतना काम करवा दिया शहर के अंदर, आज तक किसी ने नहीं करवाया। और दूसरी बात रही आरक्षण वाली, आरक्षण ने राहुल गांधी जी ने आरक्षण के बारे में बोला भाई आरक्षण खत्म करना चाहेंगे, चाह रहे हम, वही बात हुड्डा साहब ने बोल दी, हुड्डा साहब कह रहे आरक्षण रहेगा नहीं, उधर शैलजा जी को एक किनारे कर दिया इन्होंने, तो एक जातिवादक शब्द गलत यूज कर रहे हैं, तो इससे इनको वोट कौन देगा? फिर कोई नहीं देगा आगे। आंटी जी, शॉपिंग करने के लिए आप आई हैं यहाँ पर, और चुनावी माहौल भी काफी गर्म देखा जा रहा है, और पिछले दो बार से भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर मौका दिया जा चुका है, आपका वोट कौन से वाली विधानसभा सीट में है? देखो हमारा तो अभी कृष्ण पवार हमारे हल्के का, तो हमारा गांव गोद ले रखा उन्होंने। अच्छा, कौन सा गांव है आपका? ये छिछड़ाना है, कुराने वाला उधर है, तो उसी पे जोर है हमारा तो सारा। तो गांव में काम करवाया उन्होंने? काम तो देखो जब गोद ले रखा है तो काम तो चलता रहता है, करवाते रहते हैं शुरू से ही, वही करवाते हैं और वही उसी को वोट देंगे। तो आपने अपना वोट फिक्स किया हुआ है? फिक्स तो देखो पहले से ही, जब ये इनलो में थे तब भी ये हमारे तो घर आते जाते थे शादी ब्याह में, जैसे भी है आना जाना शुरू से, और अब भी उन्हीं को ही देंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और काफी दुकानें यहाँ पर सजी हुई हैं और ग्राहकों की भी आवाजाही जो है वो देखी जा रही है। आपसे जानना चाहेंगे आप क्या करते हैं आप? मैं तो एक कुछ काम आया था। अच्छा, किसी काम से आप बाजार में आए थे, कौन सी विधानसभा सीट है आप? पानीपत शहरी विधानसभा सीट है। पानीपत शहरी, तो ये जो पानीपत शहरी सीट है इस बार काफी दिलचस्प हो रखी है, त्रिकोणीय मुकाबला देखा जा रहा है? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ ओनली बीजेपी। बीजेपी, लेकिन बीजेपी में जब पहले रोहिता रेवड़ी जी थी उस वक्त उन पे विश्वास जताया था, 2014 में वो बीजेपी से जीती थी, और अब वो निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं। वो कहीं दूर दूर तक नहीं है, ओनली फॉर हमारे विकास के जो है और जो विकास करने में सक्षम है वो माननीय विधायक प्रमोद विज जी है। तो प्रमोद विज जी ने काम किया, बहुत अच्छा काम किया। क्या क्या काम किया उन्होंने? इतने 132 भवन बनाए हैं, कई अंडर बाईपास अंडर जो बेसमेंट बनाए इन्होंने, और सड़कें भी काफ़ी, जो सड़कों का काम इनका नहीं है, नाली का काम इनका नहीं है, जो एमसी का काम है वो भी काम इन्होंने करे हैं। इनका काम है बजट लाना, बाकी काम है एमसीओ का करना, और जो काम इन्होंने किया, और अभी न्यूज़ के अंदर कह रहे थे कि कांग्रेस के कुछ बंदे कि मैं निगम के अंदर सिर्फ मेयर को बिठाने जाता हूँ, मैं इंटरफेयर नहीं करता, तो हमारे माननीय विधायक प्रमोद विज जी निगम के अंदर इसलिए जाते हैं ताकि लूटपाट या कुछ अपना कुछ भी ना हो, ताकि वो कर सके सही ढंग। ठीक है, चलिए इस तरफ रुक करेंगे, यहाँ पर कुछ शॉपिंग हो रही है और जूते चप्पल की ये दुकान है, इसमें जानने की कोशिश करेंगे, लोग यहाँ पर शॉपिंग भी कर रहे हैं और साथ ही साथ दुकानदार साहब भी हमारे साथ हैं। सर थोड़ा सा समय दे सकते हैं आप? आपका वोट भी यहीं होगा पानीपत शहर में? पानीपत से है जी। कब से है ये दुकान यहाँ पे? सन 1966 से। सन 1966 से, और आप तब से यहाँ पे, मतलब कब से बैठते हैं हम यहाँ? 72 से बैठते हैं। तो काफी चुनाव आपने देखे हैं और उतार चढ़ाव भी देखे हैं, पार्टियां भी कई देखी हैं, वादे भी कई देखे हैं, क्या नजर आ रहा है इस बार? देखो जी, ये तो पहले सबसे बड़ी बात है, जो सरकार काम करती है वोट उसी को मिलता है, चाहे मोदी हो चाहे हुड्डा साहब हो, किसी तरह का भी कोई हो, उसी हिसाब से वोट जनता भी उसी को देती है। तो काम हो रहा है, मुद्दे जो हैं आपके काम को लेकर हैं, काम जो पार्टी अभी है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की पानीपत शहर में, काम हुआ है? इतना नहीं हुआ, फिर भी लोग जो काम कर रहे हैं समाज, बीजेपी को ही चुनना चाहते हैं। अब देखो वीरेंद्र शाह जी हैं तो उन्हीं के हिसाब से वोट चलेगा, शाह जी के हिसाब से आएगा, वो कांग्रेस हुड्डा के साथ है। शाह जी के हिसाब से, पहले भी शाह परिवार को 6 बार मौका मिल चुका है यहाँ से, लेकिन विज परिवार को भी 5 बार मौका दिया गया है।
उन्होंने भी जो करना था वो किया अपने हिसाब से, जो शाह जी हैं वो अपने हिसाब से चल रहे हैं। तो यहाँ पर जो है कुछ शॉपिंग भी चल रही है, आपसे भी बात करना चाहेंगे, आप लोगों का वोट कहाँ पे है? यहाँ पे नहीं है मैम, सिरसा में। सिरसा में? सिरसा में कैसा माहौल है? अच्छा है मैम, सुना है तो अच्छा। किसकी लहर है? इनेलो की। इनेलो की? तो आप लोग अपना मताधिकार वहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं? हाँ जी। लेकिन सिरसा से यहाँ पे कैसे? जॉब करते हैं पापा। जॉब करते हैं? हाँ जी। तो रहते भी यहीं हो? हाँ जी। तो वोट डालने के लिए सिरसा जाएंगे? हाँ जी। चलिए बढ़ेंगे अब आगे, और भी काफी लोग हैं। तो पानीपत के बाजारों के बाद अब आपको लिए चलते हैं पानीपत के खेतों में, जहां पे हमारी सहयोगी पिंकी धनखड़ ने खेतों में महिलाओं से भी बातचीत की है और उनका भी मिजाज जाना है। चुनावी यात्रा के दौरान आज मैं पहुंची हूं पानीपत। पानीपत एक ऐसी ऐतिहासिक जगह है जो खुद में ही इतिहास के कई पन्ने दफनाए हुए है। यहां पर कहा जाता है कि महाभारत के काल में जब पांडवों ने 5 गांवों की स्थापना की थी तो उसमें से पानीपत एक था। इसी के साथ 3 बड़ी ऐतिहासिक लड़ाइयों का ये शहर गवाह रहा है। और बता दें कि आज पानीपत संग्रहालय सबसे ज्यादा फेमस है और कई आज भी पुराने किले यहां पर खड़े हैं, पुरानी इमारतें यहां खड़ी हैं जो कि इतिहास की गवाही देते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ भैंसवाल और कुटानी गाँव के बीच में, और ये खूबसूरती आपको दिखा दें। हम आगे बढ़ रहे थे लेकिन उससे पहले ये खूबसूरत खेत हमने देखे तो सोचा कि आपको ये खूबसूरत खेतों का नजारा दिखा दें। एक तरफ यहाँ पर कुटानी के खेत हैं तो दूसरी तरफ भैंसवाल के खेत हैं। ये देखिए भैंसवाल के खेत जो हैं इसमें धान लगाया हुआ है, यहाँ पर दूसरी साइड भी धान की ही खेती है लेकिन ये धान अभी पके नहीं है, ये अभी कच्चे हैं जिसमें दिवाली तक का समय पकने में लग सकता है। दूसरी तरफ अगर कुटानी के खेत की बात करें तो ये धान जो है लगभग पक चुके हैं और महज 15 दिन का समय बचा है। 15 दिन के बाद इनकी कटाई जो है जा सकती है, इतने ये धान अभी पक चुके हैं। तो पहुंचे हैं हम यहाँ पर चुनावी माहौल टटोलने के लिए, लोगों के दिलों को टटोलने के लिए कि आखिरकार लोगों के दिलों में इस बार चुनाव को लेकर क्या कुछ है, कोशिश करेंगे जानने की। ताई राम राम, क्या हाल ताई? ठीक हो? बढ़िया हो ताई, के है यो? उबाड़ उबाड़ क्यों आग्रह? कुबाड़ अडंगा तो इसमें के क्रोहिब अडंगा पाड़ा। अच्छा, खुद के खेत ही के दिहाड़ी पे हो? दिहाड़ी पे। दिहाड़ी पे कितने दिहाड़ी मिल जाए? 350। 350 एक दिन की? अच्छा, कितने दिन का काम है यो? काम तो रहे जावा, काम तो रहे। फिर भी कितने दिन का? डेली आते हम परमानेंट। डेली आते हो परमानेंट? रहते कहाँ पे हो? कहाँ पे? करंस। करंस ये करंस कहाँ है? ये मंदिर के पास। मंदिर के पास? अच्छा, तो डेली आते हो, कितने बजे से कितने बजे तक काम करते हो यहाँ पे? 8 से 6। 8 बजे से 6 बजे तक के, और डेली का लगा रहता है? अगर ये पौध का जैसे सीजन होता है, सीजन खत्म हो गया उसके बाद? इसका सीजन नहीं खत्म होता, ये पूरे 12 मास। 12 मास। और चुनाव का माहौल चल रहा है? अच्छा, सुबह आते हो शाम को जाते हो? शाम को जाते हैं। तो क्या ताई जी कुछ कह रही हैं, इनके भी सुन लेते हैं। तो वोट पड़ेंगे जब वोट गिर दोगे? गिर देंगे। किसको गिरोगे? ये तो खैर आपके मन की बात है, ये तो जान नहीं सकते, लेकिन संभाल का में गिरेगी ना? मैं तो करस में पड़े से करस में, पर विधानसभा तो संभाल का होगी। तो क्या सोचा है, क्या माहौल है? मैं तो घर के बता दे जी, तो इकट्ठे करके कहां भाई वही गेरनी है तो वही गेरेंगे घर के। एक एक तो वोट थोड़ी, घर कौन बेगर, परिवार जो कहेगा वही तो गेरेंगे। घर परिवार वाले जो बोलेंगे उसको डालोगे वोट? हां उसको डालेंगे। थोड़ी मैंने कीती गेर दी, मेरे घर वाले ने कीती गेर दी, नु थोड़ी होगा बोल बता। हां पति बोलेंगे वहां, हां वही गेरेंगे। हर साल ऐसे ही करते हैं? और ऐसे ही करेंगे, चुनाव में भी नहीं करेंगे। हर बार, हर बार ऐसे थोड़ी घेरेंगे। तो गांव में काम हो रखा है? गांव में ही मैं तो है, गांव में तो करा है ना, बाकी गांव में सारी सुविधाएं है पूरी? हाँ पूरी तो है। और जो दिहाड़ी मिल रही है उससे संतुष्ट हो? ठीक, सजीव जी सी मिला ही, राम आ गया तो अपने घर जाकर बैठ जाएंगे। बारिश आ गई तो राम आना, मतलब अगर बारिश आ गई
तो अपने ले जाएंगे चाहे बाजू और के काम है फिर बारिश में तो कौन चल रहा तो मौसम तो अभी साफ है बारिश के तो कुछ आसार लग नहीं रहे तो हम शाम तक कर लेंगे नहीं आओगी तो रात जाएगी तो अपने घर अगर बारिश आ गई और आप घर में चले गए छोड़ के काम तो उसकी दिहाड़ी पूरी मिलेगी या आधी मिलेगी भाई भी टाइम दुफारा होया तो आधी मिलेगी आधी मिलेगी बारिश आ गई अच्छा और पूरा टाइम काम ये चालू रहता है कितने वक्त से काम कर रहे हो आप यहाँ पे 3 साल हो गए इसी खेत में काम करते हुए 3 साल से डेली और आप सभी के सभी यहीं से पास के गांव